नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार रेडियम फ्रेंड में। आज हम बात करेंगे इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में जिसका नाम है यूनिफी कॉइन। आज हम बात करेंगे फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में, सो डिटेल्स पे चलते हैं। और देख सकते हैं करंट प्राइस है 0.5202 डॉलर्स है, मार्केट कैप है 4 मिलियन डॉलर्स और जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है 24 आवर्स में अराउंड 3 मिलियन डॉलर्स। अब चलते हैं चार्ट पे। आप देख सकते हैं मैं अभी मंथली चार्ट पे हूँ और यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन। ये हो गया इसका सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ओके, और ये हो गया इसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ओके। और इसी चैनल पैटर्न में अभी फिलहाल कैंडल्स मूव कर रहा है और रेजिस्टेंस टच होने के बाद देख सकते हैं फॉल हुआ, फॉल के बाद अगेन कैंडल्स ऊपर की तरफ गया और उसके बाद फॉल हुआ, फॉल के बाद अगेन ब्रेकआउट हुआ, कैंडल्स इस रेजिस्टेंस लेवल तक गया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा था प्रीवियसली और यहाँ तक जाने के बाद और फिर से अभी फॉल हो रहा है, ओके। ये हो गया इसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, तो देख सकते हैं। और अभी फ़िलहाल कैंडल्स अभी सपोर्ट के पास है, तो यहाँ पे हम ड्रा करेंगे ट्रेंड लाइन। ये हो गया इसका सपोर्ट ट्रेंड लाइन और ये हो गया इसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। सो इसी चैनल पैटर्न में अभी फ़िलहाल कैंडल्स मूव कर रहा है, तो अभी फ़िलहाल कैंडल्स सपोर्ट के पास है, तो यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो अगेन कैंडल ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये हो गया इसका सपोर्ट, ओके, और ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। सो इसी चैनल पैटर्न में कैंडल्स फॉल हो रहा है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो कैंडल्स ऊपर की तरफ जा सकता है। सो फ्यूचर टारगेट होगा 6.06 इसका फ्यूचर टारगेट, तो यहाँ जाने के बाद फिर से फॉल हो सकता है। इस तरह से कैंडल्स इस चैनल में मूव कर सकता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो ये अगेन इस रेजिस्टेंस लेवल तक जा सकता है। इसका जो फ्यूचर टारगेट है 12.82, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है और फ्यूचर टारगेट होगा 31.05 अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है। तो ये जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता है आपको इसी डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न में ट्रेड लेना है, ओके। सो देख सकते हैं प्रीवियसली ये कैंडल्स फॉल आ रहा था और जिससे ब्रेकआउट हुआ कैंडल्स ऊपर की तरफ गया और इसका अभी फॉल हो रहा है, जिससे ब्रेकआउट होगा ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये मेरा एनालिसिस है, आपको अपना रिसर्च करना है अगर आप इस कॉइन में ट्रेड लेना चाहते हो तो। और ट्रेडिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आपको पहले सीखना है उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। अगर आप नए हो तो आपको कम्प्लीटली सीखना है, लर्न करना है, उसके बाद ही ट्रेड लेना है, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ये बहुत रिस्की है, आपको बहुत ध्यान लेके ट्रेड लेना है, ओके। तो आज के लिए इतना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।